तो अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, एश डिजिटल एजेंसी बैंकक्रप्ट एंड देयर नो बैलेंस फॉर रिकवरी ऑफ RS 20,000 रिसेबल फ्रॉम देम। यानी कि एश डिजिटल एजेंसी अपना एक कस्टमर था या फिर एक पार्टी थी जिनसे हमें 20,000 रुपये रिसीव होने थे, लेकिन वो अभी ऐसी हालत में नहीं है कि वो हमें 20,000 दे सके। यानी कि बैंकक्रप्ट यानी कि वो दिवालिया हो गया है, वो ऐसी हालत में नहीं है जिससे वो पेमेंट कर सके। ऐसी कंडीशन में ये कि हमें 20,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया कि भाई ये अब हमें पेमेंट रिसीव नहीं होगा। तो ये पेमेंट रिसीव नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसको हमें लॉस में दिखाना होगा, इसमें एज एक्सपेंसेस हम दिखाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम कम नहीं करेंगे तो ये अपने प्रॉफिट को प्रभावित करेगा। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट हमें बढ़ के दिखाएगा 20,000 से, जबकि ये अपने प्रॉफिट में शामिल नहीं होना है क्योंकि ये हमें रिसीव ही नहीं हो गया। रिसीव नहीं होगा तो ये लॉस हो गया, तो इसको लॉस के अकॉर्डिंग इसको कम करके दिखाना है। ठीक है, जैसे कि हम इस पार्टी को चेक करते हैं भाई, जैसे कि हम यहाँ पर अपने बैलेंस में आते हैं, डिस्प्ले में चलेंगे, ट्रायल बैलेंस में चलेंगे, और यहाँ से अल्ट्रा फन करके हम सन्ड्री डेटर्स में आते हैं कि भाई देनदार है जिनसे रिसीव होना था, तो उसको हम डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स में आएंगे और यहाँ पर एच डिजिटल एजेंसी को देखेंगे। एच डिजिटल एजेंसी को हमने जून में क्या किया था, माल बेचा था, या फिर माल बेचा था, फिर कोई सर्विस प्रोवाइड की थी, फिर उन्होंने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट किया तो उन्होंने क्या किया, दिसंबर में जाके पेमेंट किया। यानी कि काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में हमें दिसंबर में कुछ पेमेंट किया है, हालांकि पूरा नहीं किया है। यानी कि जब हम किसी को सर्विस देते हैं, माल देते हैं, ठीक है, वो भी उधार में देते हैं, तो वो बैलेंस हमें रिकवर करना होता है ना। 100% रिकवर हो जाता है तो वो कंप्लीट हमें पेमेंट शो हो जाता है कि भाई 100% रिकवरी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हमारी 100% रिकवरी नहीं हुई है, अभी 80% रिकवरी हो रही है। मान के चलते हैं कि भाई 80% ही रिकवरी है, 80,000 अभी भी 20,000 की रिकवरी बाकी है, जो कि हमने उनसे मांगा कि भाई हमें 20,000 का भी पेमेंट करो, लेकिन उन्होंने 20,000 का पेमेंट नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता चला कि भाई वो क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। वो इस उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो हमें 20,000 का पेमेंट कर सके, इसलिए हम अपने 20,000 को यहाँ पर बैलेंस में कम करके दिखाना होता है, क्योंकि ये हमारे रिकवर नहीं होंगे, यानी कि हमें मिलेंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में एक हमें बैड डेब्ट्स की एंट्री पास करनी होगी। बैड डेब्ट्स होता है डूबत ऋण, ठीक है, डूबत ऋण, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर पास करनी होगी। तो डूबत ऋण के लिए हमारे पास ये एंट्री है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू एस डिजिटल एजेंसी, जनरल एंट्री होती है, ठीक है, ये जनरल एंट्री होती है, और ये अपना बैड डेब्ट्स होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो करते हैं। चलिए, तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले डेट चेंज कर लेंगे, अप टू से डेट चेंज कर लेंगे, यहाँ पर लगा दें 31, 31 मार्च, और यहाँ पर हम वाउचर्स में चलेंगे, और यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास करेंगे। ना तो इसमें पेमेंट रिसीव हुआ है, ना हमने पेमेंट किया है, तो ये जनरल में आपको करना है। अब यहाँ पर आपको एक नई लेजर बना लेनी है, एडेप्ट, और यहाँ पर इसको लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करवा देना है। कितने का नुकसान हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 20,000 का, तो लॉसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉसेस को हमें हमेशा डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किसको करेंगे, डेटर्स को करेंगे, अपनी संपत्तियों को घटा रहे हैं, अपनी संपत्तियां घट रही हैं, तो उस पार्टी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एस डिजिटल एजेंसी, तो जैसे हम एस डिजिटल एजेंसी को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखो बैलेंस क्या दिखा रहा है, 0,0। यानी कि अभी इस पार्टी का बैलेंस है वो 0,0 हो गया, यानी कि इक्वल हो चुका है। यानी कि अब हमारा ये पेमेंट, हम इनसे कुछ भी पेमेंट नहीं लेना है, क्योंकि ये दिवालिया हो गया है, इनसे कोई पेमेंट चांस नहीं है। तो इसको हमें इसके अकाउंट्स को ना वो क्लोज करना होगा, इसके अकाउंट को क्लोज करना होगा। तो क्लोज हमें नुकसान के थ्रू करना होगा कि भाई हमें ये नुकसान हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लोज कर दिया मैंने। और यहाँ पर आप इसको नरेशन के रूप में रख सकते हो कुछ भी, और इसको एक्सेप्ट करवा दें। अब अगर हम इसकी जो लेजर है वो चेक करते हैं अपनी ट्रायल बैलेंस में, अभी हमारा बैलेंस तैयार नहीं हुआ, तो हम ट्रायल बैलेंस को ही आधार मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हमें डेटर्स में देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक ही डेटर है, वो है RK ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी। तो हमने ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो पास कर दिया।